आखिर कौन नहीं चाहता कि उसके लिप्स पिंक दिखें? क्या आप नहीं चाहते कि आपके लिप्स पिंक दिखें? देखो भाई, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लिप्स पिंक दिखें, बट ड्यू टू सम रीजंस लोगों के लिप्स जो है वो खराब हो जाते हैं और वो डार्क हो जाते हैं, उनमें पिगमेंटेशन हो जाती है। तो और मैं आपको बताऊं तो हमारी बॉडी में ही सेंसिटिव होते हैं ये काफी ज्यादा लिप्स हमारे, जो कि वेदर चेंज की वजह से डार्क हो जाते हैं और फटने लग जाते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में भी हमारे लिप्स, अगर वेदर थोड़ा ठंडा हो गया है तो तब हमारे लिप्स जो है फटने लग जाते हैं और उसमें ड्राइनेस आ जाती है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। हेलो, मेरा नाम है मानसी और हमारे चैनल का नाम है ब्यूटी विद ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिप्स को नेचुरली केयर करके उनको कैसे पिंक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हमारे लिप्स किस वजह से डार्क हो रहे हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। तो हम उन रीजंस को पहले डिस्कस करते हैं। चलो, कॉज नंबर वन है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनके लिप्स जो है डार्क हो जाते हैं। और कॉज नंबर टू है कि जब आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं और धूप का एक्सपोजर आपकी फेस पे, आपके लिप्स पे बहुत ज्यादा होता है, तो आपके लिप्स जो है उनमें पिगमेंटेशन हो जाती है एंड वो डार्क हो जाते हैं, जैसे टैनिंग हो जाती है हमारी स्किन पे, सेम लिप्स पे होता है। ओके, एंड कॉज थर्ड इज कि आपकी बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो सकती है। आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें आप विटामिन कम ले रहे हैं, इस वजह से आपके जो लिप्स हैं उनमें पिगमेंटेशन हो रही है, तो ये भी एक रीजन होता है। एंड कॉज नंबर फोर, कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी अपने फेस पे ऐसे प्रोडक्ट्स अप्लाई कर लेते हैं जो कि एक्सपायरी होते हैं, और काफी लड़कियां क्या करती हैं कि वो लिपस्टिक बहुत ज्यादा अपने लिप्स पे लगाती हैं, मतलब लाइक 24 आवर्स में से उनके लिप्स पे 20 आवर्स तक लिपस्टिक होती है। तो लिपस्टिक में कैस्टर ऑयल यूज किया जाता है उसको बनाते टाइम, जो कि जब हम हमेशा अपने लिप्स पे लिपस्टिक को अप्लाई करके रखते हैं तो क्या होता है, कैस्टर ऑयल की वजह से हमारे लिप्स जो है वो डार्क होने लग जाते हैं। रेमेडी फर्स्ट इज कि आप अपने लिप्स पर हनी एंड ब्राउन शुगर का स्क्रब यूज करें। अपने लिप्स पर हनी अप्लाई करने के बाद और शुगर अप्लाई करने के बाद उसको जेंटली रब करें अपने लिप्स को, और कुछ टाइम 15 या 10 मिनट्स के बाद आप उसको इतना देर छोड़ें एंड फिर उसके बाद उसको वॉश कर लें नॉर्मली। हनी जो होता है वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होता है और ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है हमारे लिप्स को, तो इसलिए हमें ये अप्लाई करना चाहिए और ये काफी इफेक्टिव मेथड होता है। रेमेडी नंबर टू, अनार के जो बीज होते हैं पोमग्रेनेट सीड्स, उनको आप लेकर उनका जूस बना के उसमें थोड़ा बहुत शुगर ऐड करके, अगर आपको जरूरत है तो, वरना आप उसको सिंपली ऐसे ही ले सकते हैं और आप उसको डायरेक्टली पी सकते हैं, या फिर आप उसको अपने लिप्स पे अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिप्स जो है वो पिगमेंटेड से थोड़े लाइटनिंग करने में उनको हेल्प करता है ये पोमग्रेनेट। सो ये दो मेथड्स थे जिसकी वजह से आप अपने लिप्स को डार्क लिप्स से पिंक लिप कर सकते हैं, और इन सब प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप अगर आप चाह रहे हैं कि आप 4-5 बार अप्लाई करने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये पिंक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको ये काफी दिनों तक रेगुलर करना होगा, देन तभी आपके लिप्स जो है वो पिंक होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को फुल देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ जिनके भी डार्क लिप्स हैं, ताकि उन आपकी वजह से उनके जो डार्क लिप्स हैं वो पिंक हो जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय।